दोस्तों, एक बार कुकिंग पिंकी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बनाएंगे एक 2 मिनट में बनने वाली सब्जी। इसको मैं बच्चों के लंच बॉक्स में डाल के दूंगी अभी बनाने के बाद। कढ़ाई को गैस पर रख दिया है, उसमें डाल दिया तेल। तेल गरम हो गया, अब मैं डालूँ इसमें जीरा। जीरा चटक गया है, अब डालेंगे हींग, कटे हुए लहसुन, प्याज। प्याज को हल्का ब्राउन होने देंगे। तब तक इसको चलाएंगे। प्याज ब्राउन हो गए, अब इसमें डालेंगे कटी हुई शिमला मिर्च। अब इसको हल्का फ्राई करेंगे 1 मिनट तक। शिमला मिर्ची हल्की फ्राई हो गई है, अब इसमें डालेंगे सभी पिसे हुए मसाले। पहले डालेंगे हल्दी पाउडर आधा चम्मच, धनिया पाउडर 1 से 1.5 चम्मच, मिर्ची पाउडर आधा चम्मच। मिर्ची आप अपने अनुसार डाल सकते हैं, कैसा खाने में पसंद करते हैं। 1 चम्मच नमक। अब ऐड करेंगे टमाटर। टमाटर को हल्का मिक्स करके 2 मिनट के लिए ढक देंगे। टमाटर और बाकी सभी मसाले पक गए, अब इसमें ऐड कर देंगे पनीर जो छोटे छोटे पीसेस में कट किया था। आप इसमें आलू ऐड करना चाहते हैं तो आलू बॉईल करके पीसेस कट करके आप डाल सकते हैं। मैं इसमें पनीर के पीस ही डालूंगी। शिमला मिर्च और पनीर की भुजिया रेडी हो गई है। ये रेसिपी आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बाय बाय, मिलते हैं नई रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।